Hello students, welcome back. In the classes of English Honors, we have a beautiful poem by Gerald Manley Hopkins, यानी GM Hopkins. ये poem है Pied Beauty. यह poem 10 line और आधे पंक्ति की है, 10 and half lines poem. अब यह एक basically Italian sonnet है, लेकिन octave में से दो line और sestet में से डेढ़ line ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है, यानी साढ़े तीन लाइन गायब हो गया है, तो 10 एंड हाफ लाइन, लेकिन है ये इटालियन सोनेट ही. तो इस स्थिति में इसको हम कहते हैं अ ट्रंकेटेड सोनेट, यानी 10 एंड हाफ लाइन, साढ़े दस लाइन, ठीक है, की पोएम. इसको कहते हैं ट्रंकेटेड सोनेट. जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, जो ब्यूटीफुल नेचर है, कलरफुल वर्ल्ड है और कलरफुल ब्यूटी है जिसको क्रिएट किया है गॉड ने, उसकी ये जय जयकार करता है, अप्लॉड करता है और उसकी प्रशंसा करता है ये पोएम. तो जिम हॉपकिंस वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल बताते हैं कि ओनली द गॉड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ द कलरफुल, स्पेशली ब्लैक एंड वाइट ब्यूटी इन द नेचर, ठीक है. तो ये ऑक्टेव जो है वो क्या कहता है हमें, देखिए, ग्लोरी बी टू गॉड फॉर डैपल थिंग्स. डैपल का मतलब होता है वेरी डिफरेंट थिंग्स. और उसके बाद सेजुरा है, यानी सेजुरा वो शो करता है हाइफन, छोटा सा हाइफन ये जो होता है लाइन के अंत में, तो उसको हम कहते हैं सेजुरा. और सेजुरा का मतलब होता है सम मीनिंग इज हिडन बट दैट मीनिंग इज क्लियर, हिडन मीनिंग, ठीक है. आप तो जानते ही हैं कि मेरी स्थिति कैसी है, यानी यहाँ पर खराब स्थिति को दर्शाने के लिए, तो वहाँ पर हिडन जो मीनिंग होता है उसके लिए सेजुरा यूज किया जाता है. सो ग्लोरी बी टू गॉड फॉर डैपल थिंग्स, यानी ईश्वर की प्रशंसा की जानी चाहिए इतने सारे वैरायटी ऑफ थिंग्स के लिए जो ब्यूटीफुल सीनरी को क्रिएट करता है, जो हार्ट एंड सोल दोनों को ब्लेस करता है. ग्लोरी बी टू गॉड, यानी किसकी जय जयकार होनी चाहिए, किसकी प्रशंसा होनी चाहिए, गॉड की, ईश्वर की, भगवान की. फॉर स्काइज ऑफ कपल कलर एज अ ब्रिंडेड काउ, स्काई भी कलरफुल है, ठीक है, बादल के चलते कलरफुल लगता है, वैसे तो है वो ब्लू. तो वो कहता है ब्रिंडेड कलर, ब्रिंडेड का मतलब जो चितकबरी गायें होती है, कई कलर की गायें होती है, ब्लैक भी होगा, वाइट भी होगा और ब्राउन भी होगा, ये तीनों का मिक्सचर होगा, उसको ब्रिंडेड काउ कहते हैं. उस तरह के आकाश दिखते हैं, आसमान दिखते हैं, ये सब गॉड का दिया हुआ है. फॉर स्काई ऑफ कपल एज अ ब्रिंडेड कलर, अब वो तुलनात्मक है एज अ ब्रिंडेड कलर, तो ये सिमिली का इस्तेमाल किया है उन्होंने, एज अ ब्रिंडेड काउ. ये क्या है, ये है सिमिली. कौन सा फिगर स्पीच है, ऑफ स्पीच है, तो सिमिली एज अ ब्रिंडेड काउ. फिर है फॉर रोज मोल्स ऑल इन स्टिपल अपॉन ट्राउट दैट स्विम, चाहे वो फूल है, रोज हो, चाहे पानी पर फूलने वाला हो, कोई भी, वो क्या है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. फ्रेश फायर कोल चेस्टनट फॉल्स फिंचेज विंग्स, मेटाफर का यूज किया है कि ऐसा लग रहा है कि चारकोल यानी कोयला जब जलते हुए या लकड़ी जलते हुए देखिएगा, तो उस लकड़ी को करीब से देखिएगा, लाल बहुत ही खूबसूरत दिखता है, उस तरह के फूल के कलर है, ऑल बिकॉज ऑफ द गॉड, ब्यूटीफुल. लैंडस्केप प्लॉटेड एंड पीस, ज़मीन है, जगह है, कुछ को डिवाइड किया हुआ है, प्लॉट किया हुआ है, कुछ अनप्लॉट किया हुआ है, कुछ डिवाइडेड है, फोल्ड फैलो एंड प्लो, कुछ फर्टाइल है, कुछ फैलो है, यानी अनफर्टाइल है, इनफर्टाइल है, सॉरी, ठीक है, यानी कुछ उर्वरक है, कुछ बंजर है, ये सब ईश्वर की बताई हुई ये कृति है. कुछ को खेत खलिहान किसान को जोतने के लिए सारा चीज़ है. And all traits their gear and tackle and trim, और हर आदमी, ट्रिम का मतलब यहाँ पर हो गया टूल, औजार,
यानी आदमी जो है अपना काम में लगा हुआ है, उसके लिए हर चीज़ उपलब्ध है, हर काम का जरिया उपलब्ध है, अवसर उपलब्ध है, तो इंसान उसमें मग्न है, काम कर रहा है, ये ऑक्टेव है। आगे जो है सेस्टेट है जो 4.5 लाइन का है, ऑल थिंग्स काउंटर ओरिजिनल स्पेयर स्ट्रेंजर, ये सब चीज़ ओरिजिनल है, ठीक है, ठोस है, प्योर है, कोई बनावटी पर नहीं है, और सब किसका है, गॉड का है। स्पेयर स्ट्रेंज, तो यहाँ स्पेयर और स्ट्रेंज का क्या मतलब हो गया, रेयर है, स्पेयर का मतलब हो गया रेयर, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, बहुत आसान नहीं है, वो सब ईश्वर का बनाया हुआ है। वट एवर इज फिकल फ्रिकल हु नोज हाउ, ठीक है, फिकल फ्रिकल ये एसोनेंस है, फिकल फ्रिकल शब्द के ऊपर खेलना या एक एक ही साउंड की तरह, तो एसोनेंस कहेंगे इसको, फिकल फ्रिकल एसोनेंस, ये भी फिगर ऑफ स्पीच है, एसोनेंस और एलिटरेशन, अगला जो लाइन है वो एलिटरेशन है, और फिकल और फ्रिकल क्या है, वो एसोनेंस है, ठीक है, ये फिगर्स ऑफ स्पीच है। वट एवर इज फिकल फ्रिकल्ड हु नोज हाउ, कौन जाने क्या है, ये ईश्वर जाने, फिकल्ड है, फ्रिकल्ड है, छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, सबका, यानी अगले लाइन में क्या है, विद स्विफ्ट स्लो, सबका कॉन्ट्रास्टिंग है, तेज भी है तो उसके साथ स्लो भी है, स्वीट सोर, अगर मीठा है तो खट्टा भी है, सोर भी है, डैजल डीम, तेज है, तेज लाइट है, तीव्र प्रकाश है, तो डीम भी है, ये डिनोट करता है कि ऑल थिंग्स आर ब्राइट एंड ब्यूटिफुल, ऑल हैव गॉट इट्स ओन इम्पॉर्टेंस, यानी एवरी क्वाइन हैज़ इट्स टू फेसेट्स, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों का महत्व, ठीक है, तो लव के साथ हेट, ये दोनों साथ साथ चलता है, जो जिस चीज़ को हम ज़्यादा जोर देते हैं वो सामने दिखता है, एक को दबा देते हैं, और जब प्रेम दब जाता है तो हेट्रेड सामने आ जाता है। सो क्या है, विथ स्विफ्ट स्लो, तेज के साथ धीमा, स्वीट के साथ सोर, यानी मीठा के साथ खट्टा, एडजल मतलब तीव्र लाइट, तेज लाइट के साथ डीम लाइट, ही फादर्स, ही विथ कैपिटल लेटर, हु द गॉड GOD, फोर्थ हुज ब्यूटी इज पास्ट चेंज, ये ब्यूटी अपरिवर्तनशील ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, प्रेज हिम, आधे लाइन में फिर उन्होंने कहा प्रेज हिम, ओके, प्रेज द गॉड फॉर द लवली सीनरी, लवली नेचर, लवली एंड ब्यूटिफुल थिंग इन डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट ऑरा, सो दिस इज अ ट्रंकेटेड सोनेट, पाइड ब्यूटी बाय जेराल्ड मैनली हॉपकिंस, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।